हेलो सर, मेरा विजय दोस्तों, ये मेरे पास में नथिंग का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता नथिंग फोन 2A जो कि भाई आता है मीडियाटेक के डायमेंसिटी 7200 प्रो चिपसेट के साथ में। और भाई ये वाला नथिंग फोन 2 का छोटा वाला भाई आप बोल सकते हो, बिकॉज नथिंग फोन 2 थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, फ्लैगशिप लेवल चिपसेट के साथ में आता है। ये वाला फोन डिफरेंट अप्रोच लेके आता है, जहां पर मिड रेंज बजट वाले कस्टमर्स को टारगेट करता है ये वाला फोन। और नथिंग का ये पहला फोन है जो कि मैं रिव्यू कर रहा हूं और जो कि मैं यूज कर रहा हूं। इस फोन के बारे में ना मेरे मिक्स थॉट्स हैं, यहां पर प्रोस के साथ में भी आता है, कॉन्स के साथ में भी आता है। कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत यूनिक लगी, जो कि किसी और फोन में मिल नहीं सकती है, और कुछ चीजें ऐसी है जिसको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके बारे में दोस्तों आगे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले उसे अनबॉक्सिंग की बात करते हैं, तो नथिंग के बॉक्स में ना नथिंग ही होता है हमेशा, मतलब समझ जाओ। और बॉक्स के ऊपर एलियन वाली दो आंखें छपी हुई है नथिंग फोन 2A की। जैसे ही डब्बे में से डब्बा निकालते हैं तो भाई इस डब्बे के अंदर हमें एक केबल भी मिल जाती है, जो कि काफी अपने आप में यूनिक लगती है। ये एक 1 मीटर वाली केबल है, टाइप सी टू टाइप सी, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे, बिकॉज अदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हमेशा यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल लेके आते हैं, वो मुझे शिकायत रहती है। और जो सिम कार्ड इजेक्टर टूल है वो भी काफी अपने आप में यूनिक लगा, मतलब कुछ नया करने का ट्राई कर रहा है ये वाला ब्रांड। और अनबॉक्सिंग करते हैं ना तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाती है, मतलब पता ही रहता है कि क्या होने वाला है बॉक्स के अंदर। तो ये वाला फोन थोड़ी एक्साइटमेंट तो बिल्ड करता ही है, लेकिन फिर डिजाइन के ऊपर नजर डालते हैं। एट फर्स्ट मुझे मतलब इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा सरप्राइज कर गई, मेरे को ऐसा लगा मैंने प्योर प्लास्टिक खिलौना पकड़ा हुआ है कोई हाथ में, बिकॉज इसके ऊपर से ये जो ट्रांसपेरेंसी लेयर निकल के आ रही है, और जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है, व्हाइट ऑन ब्लैक ये पांडा टाइप का लुक आ रहा है, और जो पीछे दो आंखें देके रखी है ना एलियन की, मतलब एट फर्स्ट मुझे सच्ची में लगा कि भाई ये कोई खिलौना है। लेकिन जब मैंने इसको फिर यूज करना शुरू करा, जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा, इसकी डिस्प्ले से इंटरेक्ट करा, तब मुझे मतलब अच्छा लगने लग गया ये फोन। मतलब डिजाइन इसकी बहुत ज्यादा यूनिक लगती है, हाथ में पकड़ते हो चार लोग नोटिस करते हैं। मैं दुबई में रहता हूँ जहां पर नथिंग ब्रांड इतना ज्यादा फेमस नहीं है, तो यहाँ पर मतलब कुछ ग्लिफ इंटरफेस अगर किसी ने देख लिया तो वो बोलता है हो भाई ये क्या है। और अगर इन हैंड फील की बात करूं तो 8.55 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस है, 190 ग्राम्स का इसका वेट है। इन हैंड फील काफी ज्यादा अच्छा है, बॉक्सी सा लगता है, मतलब आप इसको कुछ इस तरह खड़ा भी कर सकते हो अपनी टेबल के ऊपर, तो काफी अच्छी डिजाइन लैंग्वेज लगी। बटन एट द राइट प्लेस एज वेल, यहाँ पे वॉल्यूम बटन और जो पावर बटन है अलग अलग साइड में है, इजिली वन हैंडेडली रीचेबल रहते हैं वाले बटन। पोर्ट्स भी यहाँ पे देके रखे हुए हैं, लाइक टाइप सी पोर्ट, उसके पास में डुअल नैनो सिम कार्ड वाला स्लॉट भी है। माइक्रो एसडी कार्ड ऑब्वियसली आप इस वाले फोन में नहीं डाल सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 256 इसका ले ही लेना, 128 लेते हो सकता है आज आपको जरूरत नहीं फील हो, लेकिन कल आपको जरूरत फील हो सकती है, स्टोरेज आपका फुल हो सकता है। स्पीकर देके रखे हैं, विच इज अ स्टीरियो स्पीकर, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है। तो डिजाइन लैंग्वेज मुझे अच्छी लगी, और यूनिक इसको इसका ग्लिफ इंटरफेस बनाया है, जहां पर हमारे पास में भाई पीछे 3 लाइट्स देके रखी है इस बार, कंपेयर टू द नथिंग फोन 1 एंड नथिंग फोन 2 ये वाली लाइट्स कम है, लेकिन मीनिंगफुल है और यूजफुल भी है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, काफी यूनिक लगता है। इस बार ना दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर जो मिलता था ना नीचे की तरफ, जैसे कि बताता था कि मतलब फोन कितना आपका चार्ज हो गया है, वो यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है विद द फोन 2A। और ये जो ग्लिफ इंटरफेस है, मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ, एज अ फर्स्ट टाइम यूजर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा कभी यूज नहीं करोगे, लेकिन दिखाने के लिए ये चीज बड़ी अच्छी है, मतलब लोग नोटिस करेंगे इस चीज को। वॉल्यूम जैसे आप कम ज्यादा करते हो तो भी ये वाली लाइट इंटरेक्ट होती है उसके साथ में, तो वो चीज भी फैंसी है लेकिन इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो ग्लिफ इंटरफेस डेफिनेटली आई वुड से फैंसी स्टफ है, यूजफुल स्टफ मैं इसको अभी तक नहीं मानता हूँ। यूजफुल है इसकी IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंसी, जहां पर बारिश वगैरह में अगर आपका ये फोन भीग जाता है, नथिंग ऐसा बोलता है कि भाई ये सर्वाइव कर जाएगा, पानी के अंदर आपको नहीं डालना है, बिकॉज जो IP54 रेटिंग है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव रेटिंग नहीं रहती है अगेंस्ट वाटर। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। ध्यान रखिएगा ये AMOLED डिस्प्ले है, ये OLED डिस्प्ले नहीं है, एक्टिव मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देके रखा है, जो कि भाई इसके जो स्टॉक एंड्रॉइड वाले फील है नथिंग के OS का, उसके साथ में बहुत ज्यादा स्मूथ फील करता है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट का ये वन ऑफ द स्मूदेस्ट फोन आपको लगेगा अगर आप इसके यूजर इंटरफेस को यूज करोगे। और ये जो डे टू डे लाइफ में एनिमेशन आते हैं निकल के, काफी ज्यादा मक्खन स्मूथ बनाते हैं इस वाले फोन को। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ में ये वाला फोन आता है, 30 to 120 हर्ट्ज वेरी करेगा अगर आप इसको ऑन करते हो तो।
1300 nits की पीक ब्राइटनेस चली जाती है इन HDR कंटेंट एंड जो टिपिकल ब्राइटनेस है उसको हम बोलते हैं भाई 700 nits के आसपास की वो चली जाती है। मैंने इस फोन को हार्श सनलाइट में भी यूज करके देखा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो अपनी वीडियो के ऊपर, तो भी ये फोन की डिस्प्ले जो है ना वो बहुत ज्यादा विजिबल थी। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 देके रखा हुआ है और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए नथिंग ने यहाँ पे प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी प्रोवाइड कराया हुआ है इस फोन के साथ में। मतलब आपको बस कवर लेने की नीड है और एक एडेप्टर लेने की नीड है, जो कि बॉक्स के अंदर हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देके रखा हुआ है, ये ऑप्टिकल वाला है, बहुत ज्यादा तेजी से ये काम कर जाता है। और जो एनिमेशन आता है ना, मतलब फोन को अनलॉक करने में और लॉक करने में एंड्रॉइड 14 का ऑब्वियसली, वो काफी ज्यादा स्मूथ निकल के आ रहा है इस फोन के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, बिकॉज ये वाला फोन आता है डायमेंसिटी 7200 प्रो प्रोसेसर के साथ में, जो कि नथिंग बोलता है कि भाई उन्होंने मीडियाटेक के साथ में काम करके TSMC के 4 नैनोमीटर प्रोसेस में इसको स्पेशली कस्टमाइज कराए। तो कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आ रही है इस प्रोसेसर के साथ में, कैसा ऑप्टिमाइजेशन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैमरा कैसे इस प्रोसेसर के साथ में ऑप्टिमाइज होकर रखा है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एंटूजू के स्कोर देख सकते हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 लाख टच करने ही वाला था ये वाला फोन। डिसेंट परफॉर्मेंस फॉर द प्राइस सेगमेंट। गीगबेंच के देख सकते हो 1000 क्रॉस करा इन सिंगल कोर, 2500 क्रॉस करा इन मल्टी कोर, अगेन आई वुड से डिसेंट परफॉर्मेंस। मैंने इस फोन का दोस्तों जब CPU थ्रॉटल टेस्ट करा तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स कंप्लीट कर दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 92 के आसपास का स्कोर आया था, लेकिन फिर यहाँ पे रैम के अंदर से वो CPU थ्रॉटल के स्कोर गायब हो गए, मतलब वो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गई। तो 12GB वाला वर्जन है मेरे पास में इस फोन का, जो कि 12GB रैम के साथ में आता है, 256GB स्टोरेज के साथ में आता है। उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ी सी देर में, मतलब 10-15 मिनट बाद मैंने फिर एप्लीकेशन ओपन करी तो वो थी नहीं रैम के अंदर स्टोर, वो मुझे सही नहीं लगा इस फोन के साथ में। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट जब मैंने किया तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसके स्कोर देख सकते हो, मतलब डिसेंट है, CPU ऑलमोस्ट ना के बराबर थ्रॉटल करता है। लेकिन जब मैंने Realme 12 Pro Plus रिव्यू करा था तो उसका CPU भाई 0 थ्रॉटल करा था, और सिमिलर स्कोर्स इस वाले फोन ने भी निकाल के दे दिए थे विद द स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर। तो आई वुड से कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक अगर आपको फोन चाहिए ना, तो यू कैन गो फॉर पोको X6 Pro एज वेल, जो कि इससे डबल से भी ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है और काफी अच्छा ऑप्टिमाइज भी है वो वाला प्रोसेसर। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसकी परफॉर्मेंस खराब निकल के आ रही है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए तो देर इज एन ऑप्शन कि आप उस वाले फोन के लिए भी जा सकते हो। ब्लूटूथ 5.3 इसके अंदर देके रखा हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। कैमरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, भले ही वो इंस्टा स्टोरीज डालना, भले ही वो अपने फेवरेट मूवमेंट्स होते हैं वो कैप्चर करना। कैमरा हर किसी की पॉकेट में ही रहता है आजकल। नथिंग फोन 2 कैसा परफॉर्म कर रहा है इस डिपार्टमेंट में, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे नथिंग ने एलियन आईज के अंदर 50 और 50 मेगापिक्सल के दो कैमरे डाल के रखे हुए हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद द F1.88 अपर्चर OIS यहाँ पे देके रखा हुआ है, विच स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, जो कि वीडियोज एंड फोटोज में जो ब्लर होता है और जो स्टेबिलिटी होती है उसको मैनेज करता है। 50 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड सेंसर। नॉर्मली फोन्स में जो अल्ट्रा वाइड सेंसर्स आते हैं ना, वो लो रेजोल्यूशन के आते हैं, बेसिकली 8 मेगापिक्सल के आसपास के आते हैं। इसने 50 मेगापिक्सल प्रोवाइड कराया है। आगे देखते हैं कि दोस्तों कैसा वीडियो निकल के आ रही है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जो कि नथिंग बोलता है कि भाई फोन 2 से लिया हुआ है, सेम सेंसर यहाँ पे फोन 2A के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। पिक्चर्स यहाँ पे दोस्तों मैंने इसके साथ में बथेरी क्लिक करी, एंड इसके साथ में जो पिक्चर्स निकल के आ रही है, मैं बोलूंगा वाइट बैलेंस इंप्रूव होने की सख्त से भी सख्त जरूरत है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये वाली मेरी पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर वाइट बैलेंस का कोई अता पता ही नहीं है। ये नॉर्मल मैंने एक फोटो लिया है, और सिर्फ यही फोटो नहीं, दूसरी भी मैंने सेम फोटो ली है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगेन मेरा चेहरा मतलब अलग ही लेवल की ब्राइटनेस प्रोवाइड करा रहा है इस वाले फोन के साथ में। और जब मैंने पोर्ट्रेट मोड इनेबल करा, एज डिटेक्शन वगैरह, तो डेलाइट में अच्छा कैप्चर करा इस वाले फोन ने, लेकिन फिर फोटो के रंग वंग एकदम अलग कर दिए, जो कि मेरा चेहरा एकदम गोरा नजर आ था, अब वो नॉर्मल नजर आ रहा है, जो कि मेरी ओरिजिनल टोन है स्किन की। और यही सेम चीज मैंने सेल्फीज में भी नोटिस करी, जब मैं सेल्फी लेता हूं तो भी मेरी स्किन टोन जो है ना, ये बहुत ज्यादा ब्राइट करके दिखा देता है। ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे नहीं कोई भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन ब्राइटनिंग अप्लाई हो रही है, मतलब ओवर एक्सपोज सा लग रहा है, थोड़ा सा वॉश्ड आउट कलर मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे सैचुरेशन की थोड़ी सी मेरे को कमी लगी। सेल्फी जब मैंने ली तो अगेन एज आई सेड कि जो पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन है, बाल वगैरह आप मेरे देख सकते हो, एकदम अच्छे से एज डिटेक्शन करके ब्लर कर दिया इसने फोटोज को, लेकिन जो स्किन टोन्स है वो इतनी नेचुरल नहीं आ रही है। इवन जब मैं सनलाइट के ऑपोजिट गया तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से कलर्स वगैरह यहाँ पे मैनेज करे हैं,
लेकिन स्किन टोन थोड़ी सी ब्राइट रख रहा है, तो वो चीज आपको एक कंसीडर करनी है कि आपको एक नेचुरल लुकिंग पिक्चर चाहिए या फिर थोड़ी सी एडिटेड लुक वाली फोटो चाहिए, जो कि नथिंग फोन 2A आपको प्रोवाइड करा रहा है। मैंने इसके फोटोज को कंपेयर भी करके देखा अदर फोन से, जहां पर ये एक सेम फोटो आप देख सकते हो डिफरेंट फोन से ली हुई है, जहां पर मेरा पिक्सल है, मेरा रियलमी 12 प्रो प्लस है। पिक्सल तो स्टैंडर्ड बन चुका है, मतलब आज की डेट में फोटोज बहुत ज्यादा अच्छी कैप्चर करने के लिए। तो मैंने इस बेंचमार्क फोन के साथ में इसको कंपेयर करा, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कंपेयर कर रहा है ये वाला फोन। इवन रियलमी 12 प्रो प्लस जो है वो थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है कंपेयर टू द नथिंग फोन 2A। एक और कमी मेरे को लगी नथिंग फोन 2A के कैमरा के साथ में, वो है जूम। फोटोज में डिजिटली 10x का हमें जूम प्रोवाइड कराया नथिंग फोन 2A ने, और ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर ही काम करता है ये 10x जूम। बहुत ज्यादा फट जाती है फोटोज, तो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि रेजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर कर देना चाहिए था, तो किसी भी काम की नहीं है 10x जूम से ली हुई फोटोज। मैंने इसके कैमरा को दोस्तों बाय द वे डिटेल में कंपेयर कराया विद द iPhone 15 Pro Max, और एक और रिव्यू भी आने वाला है डिटेल में इसके फोन के कैमरा का, बिकॉज नाइट में भी मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी है, वो मैं ऑब्वियसली इस वाली वीडियो में बता नहीं सकता बिकॉज बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन जो मैं बता सकता हूँ वो है वीडियो वाला पार्ट, जहां पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इससे ली हुई वीडियोस को। ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नथिंग फोन 2A के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में, ऊपर से एमिरेट्स की फ्लाइट जा रही है, बहुत ही अच्छा मौका है इसको जूम करके देखने का। तो 10x पे बिल्कुल ये फटी फटी सी वीडियो हमें नज़र आती है। रिसेंटली मैंने रियलमी का 12 प्रो प्लस किया था, वो एमिरेट्स की फ्लाइट को बहुत ही इजीली जूम कर ले रहा था, और भाई यहाँ पर स्टेबलाइजेशन टेस्ट आप देख सकते हो कि स्टेबलाइजेशन कैसा निकल के आ रहा है इसके कैमरा के साथ में। अभी हम नॉर्मल स्पीड में वॉक कर रहे हैं और फोकस कैसा कर रहा है फेसेस पे, अगर कोई सामने आ जाता है तो इस तरह से है। थोड़ा सा भाग के देख लेते हैं। बताना भाई कैसे वीडियो निकल के आ रही है। फ्रंट फेसिंग कैमरा देखते हैं दोस्तों कैसे वीडियोस निकाल के दे देता है। भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नथिंग फोन 2A के फ्रंट कैमरा के साथ में 1080p 30fps जो कि मैक्सिमम सपोर्टेड रेजोल्यूशन है। अभी हम एक साइकिल राइड कर रहे हैं दुबई में। आपने नोटिस करा होगा कि भाई यहाँ के जो रोड्स हैं वो बहुत शांत रहते हैं, और मैंने ये नोटिस करा कि ये जो नथिंग फोन 2A का फ्रंट फेसिंग कैमरा है इसका भाई बहुत मतलब जूम इन सा होके आ रहा है, वाइड एंगल नहीं है ज्यादा इन वीडियो। फोटो में तो हमें मिलता है जूम आउट वाला एक मोड जो कि वाइड एंगल फोटोज प्रोवाइड करा देता है यूजिंग द फ्रंट फेसिंग कैमरा, लेकिन वीडियो में बहुत ज्यादा जूम इन है, सेम लाइक वन प्लस फोन जैसे कि हुआ करते थे पहले। ये तो दोस्तों फ्रंट फेसिंग कैमरा, यहाँ पर सिर्फ 1080p 60fps मिलता है, जबकि रियर फेसिंग से आप 4K 30 तक रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये वाला कैमरा बहुत ज्यादा जूम इन लग रहा था, मतलब क्रॉप्ड इन लग रहा था टू प्रोवाइड अ बेटर स्टेबिलाईजेशन। थोड़ा सा वाइड एंगल होता तो आप इस फोन से शायद व्लॉगिंग वगैरह भी सोच सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं सोच सकते हो। तो कैमरा पार्ट में मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बाय टाइम में भी ये लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर दे कैमरा पार्ट को। सिनेमैटिक वीडियो का हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो जो वीडियो ब्लर वगैरह आता है कुछ फोन में यहाँ पे देख रखा होता है वो भी इस फोन में हमें मिसिंग ही मिलता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस फोन का। मैंने फर्स्ट टाइम नथिंग OS यूज करा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। नथिंग OS 2.5 पे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ था जब मैंने इस फोन को ओपन करा, मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ पर कुछ नए फीचर्स भी वाला सॉफ्टवेयर अपडेट अपने साथ में लेके आया था, स्टेबिलिटी भी इंप्रूव कर रहा था। करंटली वी आर ऑन नथिंग OS 2.5.2, इससे पहले 2.5.1 था, और अभी मैं देख सकता हूँ कि एक और अपडेट आई हुई है इस वाले फोन में, मे बी नथिंग OS 2.5.3 होगा। तो अपडेट्स के मामले में ये लोग काम करते हैं, और एंड्रॉइड 14 इस फोन के अंदर देके रखा हुआ है आउट ऑफ द बॉक्स। नथिंग बोलता है कि भाई इस फोन के साथ में हमें 3 एंड्रॉइड अपडेट्स और मिलेगी, तो मतलब 15, 16, 17 और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो मतलब काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ प्रोमिसेस अबाउट द सॉफ्टवेयर अपडेट। और मैंने यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देखा है नथिंग का, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट में ये लोग नए फीचर्स भी ऐड करते हैं, बहुत ही कुछ नया नया करने का ट्राई करते हैं, एंड बाकी के ब्रांड्स से एक्सक्लूडिंग सैमसंग थोड़ा सा पहले सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड भी कराते हैं इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा, यूजफुल जो भी हमारे फीचर्स हैं वो देके रखे हुए हैं। एंड्रॉइड का जो स्टॉक वेरियंट है उसका बहुत ज्यादा क्लोज वर्जन है विद लॉट ऑफ विजेट, इवन लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह इस फोन के काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको मतलब बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर आप टेक एंथुसियास्ट हो ना, जो कि बहुत ज्यादा अलग अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं फोन के साथ में, तो आपको इस फोन का सॉफ्टवेयर स्पेशली काफी ज्यादा पसंद आएगा। बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो ये फोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है, विच इज बिगर देन द नथिंग फोन 1। यहाँ पर नथिंग प्रॉमिस भी करता है कि भाई 25% ज्यादा बैटरी आपको मिलने वाली है कंपेयर टू द नथिंग फोन 1। तो ऑब्वियसली दोस्तों उस चीज में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। मैं इस फोन को लगभग 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, 2 बार ही चार्ज करा है, तो आप मान सकते हो कि फुल डे बैटरी लाइफ वाला फोन प्रोवाइड करा रहा है। चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, तो भाई मेरे पास में नथिंग का कोई भी ऑफिशियल चार्जर नहीं है,
ये फोन मैक्सिमम 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन मैंने इस फोन को आईफोन के चार्जर से चार्ज किया। 20 वॉट का वो चार्जर था, लगभग 2 घंटे के अंदर ये वाला फोन उससे फुली चार्ज होता है। फ्रॉम 0 to 100 की बात कर रहा हूँ, अगर आप 0 नहीं लेके जाते हो तो 1.5 घंटे के आसपास आपका फोन किसी भी चार्जर से फुली चार्ज हो जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। तो बैटरी लाइफ से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस भी नहीं हूँ, और बहुत ज्यादा खराब बैटरी लाइफ भी नहीं मिलती है, डिसेंट बैटरी लाइफ मिलती है। स्पीकर्स कैसे साउंड करते हैं दोस्तों, जो कि नीचे की तरफ सिंगल ग्रिल में देके रखे हुए हैं स्टीरियो स्पीकर, वो आप आगे सुन सकते हो। ये था दोस्तों नथिंग फोन 2A। इस फोन के साथ में ऑब्वियसली मतलब बहुत कुछ अभी करना बाकी है। एज आई ऑलरेडी सेड, मैं इसका कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ विद द आईफोन 15 प्रो मैक्स। काफी अटपटा सा कंपैरिजन होगा, बिकॉज एक फोन 1,60,000 का है, एक फोन 20,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर आता है, लेकिन मजा आएगा। मतलब देखते हैं कि कैसे ये फोन कंपेयर करता है। उस फोन के साथ में डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन उससे भी पहले आ जाएगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बिकॉज कैमरा के बारे में मतलब मैंने अभी बहुत कमी बात करा है। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं बताने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। स्पेशली नाइट में मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें नोटिस करी है, जिसके लिए डेफिनेटली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नथिंग फोन 2A के बारे में मेरे एंडिंग लाइन्स में थॉट ये रहेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर वन ऑफ द बेस्ट ऑन एनी एंड्रॉइड फोन देके रखा हुआ है। कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है, डिजाइन बहुत लोगों को पसंद आ सकती है, बहुत लोगों को नहीं आ सकती है। मैं टेक एंथुसियास्ट हूं, मुझे ये वाली डिजाइन काफी अच्छी लगी और मैं यूज करूंगा, तो मैं बिना किसी हिचक के यूज कर सकता हूं। नो मैटर कोई भी हाथ में देख के क्या बोलता है इस डिजाइन को, भले प्रोफेशनल नहीं लगे या जैसा भी है, मुझे ऐसी डिजाइन मतलब पसंद है। कुछ नया करने की एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। कैमरा में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बैटरी लाइफ अच्छी है, स्पीकर्स वगैरह डिसेंट देके रखे हुए हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, अगर प्राइस यहाँ पे अच्छा लॉन्च करते हैं, 20,000 के आसपास अगर लॉन्च करते हैं इसका 128GB वर्जन, और लगभग 22,000-23,000 में इसका 256 अगर लॉन्च करते हैं, तो बहुत तगड़ी वाली परचेस हो सकती है वाला फोन। विद दैट सेड दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।